What's up guys, आप अपनी माइंड की दुनिया में और ये मेरी सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड 13। गाइस आज हमें जाना है नेदरराइट ढूंढने, तो चलते हैं। अभी इसको क्या हो गया, अभी गुस्सा हुआ, चमकने लगा। ये विलेजर भी अजीब होते हैं, चमकने लगते हैं मतलब से। तो चलते हैं नेदरराइट ढूंढने। आई अभी पढ़ रहा था टूल स्मिथ के और वो क्लैरिक के साथ। गाइस मैं रेडी हूँ धमाका करने के लिए और सब कुछ। और गाइस मैंने दीवार बना दी है, मैंने माइनिंग भी कर दी है बड़ी सी नेदर में। और ये एक मिनट, मैं यहाँ पे एक स्नो फार्म बनाया है जिससे मुझे 6 स्टैक स्नो ब्लॉक अब तक मैंने बना लिए हैं। जी हाँ गाइस, ये बहुत तेज काम करता है। मैं फिलहाल इसको बाहर, मैंने इसे दुबई में बनाया था टिकटॉक हैक्स में, इसमें भी बना लिया। मतलब ब्लॉक से मेरे पास कमी नहीं है। मैं वाइट कॉन्क्रीट की गजे की दीवार, ये सब मुझे मिले उससे वो, अरे ये नेदर रैक से है। वो अगर आप स्मेल्ट करेंगे तो ब्रिक बन जाता है, नेदर ब्रिक। और गजे मैंने बहुत सारे ट्रेडिंग की उसका, वो जो होता है ना पिगलिन ब्रू, नहीं पिगलिन, मैंने बस TNT भी लगा दी है, फ्लिंट एंड स्टील लगाना है बस। ये मैंने ग्लास लगाया था, वो कमी हो गई तो जाकर फ्लिंट एंड स्टील मारना है बस। अरे भागो, ब्लास्ट हो गया। ओ मैं कौन सा लेवल पे हूँ, 15 लेवल पे तभी मिला। लेकिन यार बहुत ज़्यादा जल्दी मिल गया यार, गजब मज़ा आ गया मज़ा। अगर मैं स्ट्रिप माइन तो शायद ही मुझे नहीं मिलता, बेस्ट सील रहता ना। लावा में ना गिर जाए तो जल जाएगा, ये जल जाता है। ये वो नेदरराइट नहीं डरता है ना, ये डर जाता है नीचे से। अभी उतने में ही बहुत टाइम लगेगा। अगर मैं लावा में ना गिर जाऊँ, आगे और भी है, इससे दौड़ते ना। 3 ही है वैसे, 3-11 में। इस पर अगर फॉर्च्यून अगर यूज़ होता तो मज़ा आता। मैं अपनी शॉर्ट बनाऊँगा सबसे पहले। ऊपर लावा है, नीचे मतलब ऊपर मैं जा रहा हूँ। इसको भी ले लेते हैं, 4 हो गए। अब यहाँ पे कितने हैं, वो 5। मैं 2 चीज़ बना सकता हूँ, तो मैं निकल जाऊँगा। 2 चीज़ बनानी है मुझे और नहीं बनाना है। मैं सच में बहुत ज़्यादा नीचे आ गया हूँ इसको लेने के लिए। 5 हो गए और 6 कितने, 6 और 7 नहीं हो पाएगा। ये इतना ऊपर कहाँ लगे हुए हैं, बच गया, लावा में नहीं गिरा। और तो नहीं है तो आज मुझे नेदरराइट का टूल बनाना था, तो मैं निकलता हूँ। कल मैं पूरा फुल आर्मर बनाऊंगा। ये भी टूट गया यार, तोड़ो इसको। ऊपर जल्दी जल्दी, आज मैं शायद शॉर्ट बना लूँगा। अभी से मैं निकल गया, दोनों बोतल एक ही चीज़ में ना, दो लेटर तो कर जाता।
चढ़ गया। रोशनी कर रहा फ्री में। पंपकिन पाए मैंने विलेजर से ट्रेड किया है। कितना अच्छा लग रहा है ये इंसेंस डर्बी इसको देख के। ये बहुत खतरनाक हेल्थ बढ़ाता है वैसे ये पंपकिन पाए। बस एक और चाहिए था, मेरे दो चीज़ बन जाते हैं। जल्दी से चलते हैं। जल्दी आ गए कुछ ज़्यादा ही जल्दी। इतनी जल्दी नहीं थी। ये मेरा ब्लॉक बन गया सी को। इसमें तीन डाल के कोल डालते हैं। इसमें चार अभी कोल डालेंगे। गोल्ड है मेरे पास नहीं है, नीचे जाना पड़ेगा। अब रात हो गई तो सो के जाएंगे। सुबह तक तो हो ही जाएगा। ये मेरा एन्चांटेड गोल्डन एप्पल। गाइस यहाँ पे जो दो डायमंड के ब्लॉक लगे थे उसको मैंने हटा दिया, क्योंकि मैंने एमरल्ड लगा दिया। डायमंड की मेरे पास कमी थी ना। काश कोई विलेजर ने डायमंड के बदले मतलब एमरल्ड के बदले डायमंड देता, मतलब 10-20 एमरल्ड के बदले भी देता ना तो भी मैं ले लेता। अरे गोल्ड लेना भी भूल गया सर। गोल्ड भी नीचे ही है मेरा। या फिर मैंने सारी ट्रेड करने में ख़त्म कर दी। मेरे पास ये है ना, इसको तोड़ के कर दें हो जाएगा। वैसे मैंने सारी ट्रेड करने में ख़त्म कर दी थी पिगलिन से। चार चाहिए कैसे भी। काश चार बन जाए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। 9 इंगट से एक नगेट, मतलब एक इंगट बनेगा। हाँ हो जाएगा चलो बढ़िया। नहीं होता तो मुझे स्मेल्ट करना पड़ता है गोल्ड की चीज़ें। वो 14 बन जाएगा चलो बढ़िया। ये आ गया नेदरराइट, और गोल्ड ले लेते हैं। 14 बन गया नेदरराइट। ये मेरा फर्स्ट नेदरराइट। अरे गोल्ड का ब्लॉक, ये क्या है लोड स्टोन। अरे नहीं बनाना, नेदरराइट लगेगा इसमें। बाप रे इतना भी अच्छा नहीं दिख रहा ये। वैसे मैं जानता हूँ लोड स्टोन क्या होता है, मतलब अगर आप नेदर में जाते हैं और खो जाते हैं तो फिर लोड स्टोन लेके। मेरे पास एक गोल्ड का ब्लॉक था शायद, नहीं था तो आप लोड स्टोन उस पर अगर कंपास क्लिक करेंगे तो एन्चांट हो जाएगा जिससे वो सोसी की तरफ इशारा करेगा, नहीं तो वांड वांड कहीं भी करता रहता है। इसमें थिंक टेबल मेरे पास नहीं है। ये विलेजर ट्रेडिंग हॉल में, मैंने पिछली जब मेरी पिछली सर्वाइवल सीरीज थी उसमें भी विलेजर ट्रेडिंग हॉल में मैंने रखा था। जब नहीं रहता तो मैं रखता ही नहीं। वो कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं यहाँ पर। ए थैंक यू इसमें मेरी सॉर्ड। गाइस नेदरराइट सॉर्ड, कितना अटैक डैमेज हो गया। 14 पहले 13 था। आई बिकम दी गॉड। मैं आर्मर कर सकता था लेकिन मुझे नहीं करना क्योंकि मैं बहुत पावरफुल हूँ। गाइस पिछली वीडियो में एंड्रॉइड ड्रैगन को तो मैं नहीं मारूंगा फुल नेदरराइट करने के बाद। वैसे मार सकता हूँ लेकिन नहीं मारना उसको भी, तो पता चले मैं गिरूँ। मुझे एमरल्ड लेके ट्रेड करनी है डायमंड का आर्मर के लिए। अभी बच गया, अभी इसको शॉट पड़ता। इधर ही मैंने एमरल्ड रखे थे। गोल्ड के बदले एमरल्ड देता लेकिन 3 गोल्ड जमेगा। मैं ऊपर से जाता क्योंकि गेट खोलने बंद करने का टाइम है मेरे पास। ये तू ऊपर क्या कर रहा, नीचे का काम कर। गाइस मेरा घर भी बस बनने वाला है, ट्री हाउस बस मैं बनाऊंगा। ट्री हाउस बनाएगा मतलब घर में नहीं, घर ही बनाऊंगा, ट्री हाउस भी बनाऊंगा। मेरा ट्री हाउस इस साइड रहेगा और घर बीच में। मैंने इसको बढ़ दिया पहले से, पहले ये था 50 ब्लॉक अब है 80 ब्लॉक। कहीं यहाँ पे 2 विलेजर हैं और उनके बच्चे भी मैंने कर दिए, अकेला रहता था इसलिए।
से बाहर निकल आया डायमंड। हमेशा डायमंड कहीं मैं यूज़ करता हूँ, ये विलेजर्स की वजह से मैं बहुत अमीर हो गया। अभी मेरा एम्ब्रल, वैसे ये लोग उठाएंगे तो नहीं। ये बाहर निकल, चेस्ट भी बड़ा बड़ा, पम्पकिन पाए खा लेते तो खा लेते पहले। और गाइस मैं इस साइड सोच रहा हूँ ना कि मैं इस साइड स्नो फार्म बनाऊँ, मतलब स्नो सिटी, और इस साइड अपना भाई क्या फार्म, एनिमल फार्म, इधर पम्पकिन और मेलन फार्म, इधर कैरेट और पोटैटो हो गया। गाइस देख लीजिए, इधर मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, बहुत टाइम लग चुका है। मैंने बोन मिल था तो जल्दी हो गया, नहीं तो और टाइम लगता। वो अपने एक्सपी फार्म से मिला था, इसलिए दिमाग खराब हो गया, मुझे आना ही नहीं अभी यहाँ पे। चलिए गाइस इस वीडियो के लिए टाइम है, आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लग रहा है कि वो एक ग्लू है।